हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आपको आज भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके बुक का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका भौतिक जगत है। भौतिक जगत हम बताएंगे आपको, भौतिक जगत आपको मैं डिस्क्राइब करके पूर्ण रूपेण समझा के मैं बताऊंगा उसको। लेकिन अभी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में जो आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात कि सभी बच्चों को बधाई हो जो कक्षा 10 पास करके 11 में प्रवेश कर चुके हैं। और 11 में प्रवेश अगर आप किए हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा नंबर होगा तो कुछ लोगों का कम हो गया होगा, वो संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा अपने फुल कॉन्फिडेंस से, अपने आप आत्मविश्वास से पढ़ाई में जुट जाइए और अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्रशस्त करते रहिए। और बड़ा ही मज़ा आने वाला है इसमें, बहुत ही आनंद आएगा आपको। हम एक बेस लेके चलेंगे, आपको छोटी सी छोटी चीज़ को बताते हुए ऊपर चलेंगे, कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होने देंगे। कॉपरेट बिल्कुल आप करेंगे और मैं भी करूँगा। बस हमेशा ध्यान रखिए कि अपने लक्ष्य को ऊँचा रखिए। दूर क्षितिज में एक चिराग देखा है, बस एक ललक है उस रोशनी तक पहुँचने की। अपने लक्ष्य को ऊँचा रखेंगे। और परीक्षाएं कोई हवा नहीं होती हैं, परीक्षाएं जो होती हैं वो आपके तरक्की की सीढ़ी होती है। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल तन और मन से पढ़ाई में जुट जाइए। ये मात्रक एवं मापन भौतिक विज्ञान, देखिए कक्षा 10 में जो आप लोग पढ़ चुके हैं भौतिक विज्ञान, वो भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की किताब होती थी, इतनी मोटी किताब होती थी। इतनी मोटी किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ते थे। हाई स्कूल में 10th में आपके 4 चैप्टर होते थे। आज अब जो पढ़ेंगे आप, कम से कम इतनी मोटी किताब रहेंगी और वो 20 चैप्टर का है, लगभग 5 गुना ज़्यादा है हाई स्कूल से। तो मैं हर दो तीन दिन पर आपका एक एक चैप्टर मैं पर डे समाप्त करूँगा और बिल्कुल आपको समझाते हुए व्हाट्सएप पर आप हमको या फिर शेयर या कमेंट पे जो भी पूछना है हमसे आप उसमें पूछेंगे। जब अगली वीडियो में बनाऊंगा तो पहले आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद ही उस चैप्टर में या उस एक्सरसाइज में आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, हम बात करते हैं मात्रक एवं मापन की। मात्रक एवं मापन से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, ये जानना है। सभी बहुत लोग जानते होंगे भौतिक राशियाँ क्या है। भौतिक राशियाँ जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ। थोड़ा बहुत अंग्रेजी में पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी राशियों का हम अध्ययन करते हैं, वो भौतिक राशियाँ होती हैं। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी हम राशियों को पढ़ते हैं
वही भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये दो प्रकार से हम लोग पढ़ लेते थे, पहले पढ़ते थे क्या अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ, अब स्केलर क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अभी हम स्केलर वेक्टर हमारा आगे पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ के अंतर्गत पहले हम पढ़ते हैं मूल राशियाँ क्या है। मूल राशियाँ मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियाँ क्या है। मूल राशियों को पढ़ने से पहले मूल राशियाँ वे राशियाँ या वे भौतिक राशियाँ, कौन राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका अन्य किसी राशियों से लेना देना या संबंध नहीं होता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका किसी भी भौतिक राशि से कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये सात प्रकार की होती हैं, पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देर आर सेवन टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट? फर्स्ट, पहला लंबाई। लंबाई, अब हम लंबाई मींस लेंथ, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ या ब्रेथ और हाइट। एक एग्जांपल आपको देता हूं हम, ये क्यूब है आपके पास। अब इस क्यूब में आप ये देखेंगे, कहा जाए आपसे पूछा जाए कि बताइए लेंथ क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर ये वाला लेंथ है। यस। अब कहा जाए इसमें चौड़ाई बताइए, ब्रेथ, तो आप कहेंगे सर ये वाला चौड़ाई है ये। हाइट, तो आप कहेंगे ये वाली हाइट, यही बताएंगे ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, इस लेंथ की भी लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ की भी यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, हाइट की भी यूनिट मीटर। इसी से देखिए, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दो से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपस में तीनों से गुणा कर देंगे तो जोड़ के दो से गुणा कर देंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट में जोड़ से दो के गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, और आयतन निकालने के लिए तीनों का गुणा कर दीजिए। हाँ ये आगे की है, बताते हैं अभी। तो लेंथ, पहला लेंथ हो गया। मूल राशियाँ क्या हैं, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका किसी भी अन्य राशियों से कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मास, तीसरा लंबाई द्रव्यमान समय टाइम, चौथा ताप टेम्परेचर, पांचवा विद्युत धारा। खूब विद्युत धारा नापे होंगे आप लोग हाई स्कूल में, विद्युत धारा ताप भी खूब नापे होंगे। सिक्स विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, एंड सेवन पदार्थ की मात्रा। ये ज़्यादातर ये फिजिक्स में भी यूज करते हैं इसको और केमिस्ट्री में भी, पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियाँ होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनका किसी अन्य राशियों से कोई संबंध नहीं होता, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये सात प्रकार की होती हैं। आप नोट्स बना लीजिए सब लोग, नोट्स में सबसे पहले आप लोग मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम डालेंगे, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, और यूनिट एंड मेजरमेंट
तो इसकी इंग्लिश है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक जगत के अंतर्गत या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी राशियों का हम अध्ययन करते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फिर आगे आएगा मूल राशियाँ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप बताएंगे कि लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं कि वे मूल राशियों में लिखेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है या जिनका संबंध किसी से नहीं होता है, जो स्वतंत्र होती हैं वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, या जिनका संबंध वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं जिनका संबंध किसी से नहीं होता, या जिनका लेना देना किसी से नहीं है, जिनका संबंध किसी से नहीं है या नहीं होता, वे मूल राशियां कहलाती हैं। वे मूल राशियां कहलाती हैं कहलाती हैं। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे यह या ये सात प्रकार की होती हैं, होती तो और हैं, रेडियन और स्टेरेडियन दो पूरक मात्र पढ़ेंगे, लेकिन बताया जाएगा ये सात प्रकार की होती हैं। ये आप लोग नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके इसको नोट करके फिर प्ले करिएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट में पहले भौतिक राशियाँ। पहले भौतिक राशियाँ क्या है आप लिख देंगे कि भौतिक राशियाँ क्या है, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो राशियों का अध्ययन करते हैं वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं था जिनका किसी से संबंध नहीं होता है वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये सात प्रकार की होती हैं, सातों प्रकार आपके सामने लिखी गई हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और वो परिभाषा लिखा गया। अब इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम मूल राशियों के बाद में हमारा ना काम आता है क्या आगे, मूल राशियों के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, डराइव्ड क्वांटिटीज। चलो व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां डराइव्ड डराइव्ड क्वांटिटीज पूरक राशियां या व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न से ही आप समझ जाएंगे, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होना, हो किससे उत्पन्न हो, मूल राशियों से। जो सात प्रकार की मूल राशियां हैं वो उत्पत्ति हो उनकी, उन्हीं सातों से जो उत्पत्ति हो रही है वही व्युत्पन्न राशियां हैं। बहुत राशियां हैं भौतिक विज्ञान में, अगर भौतिक विज्ञान की राशियों को लिखने लगे तो 3-4 बार ब्लैक बोर्ड हमको मिटाना पड़ेगा, ये व्हाइट बोर्ड 3-4 बार मिटा देंगे, लगभग 700 से 800 होती हैं, तो इतना ज़्यादा हमको थोड़ी ना लिखना है, पढ़ते जाना है, मिलता जाएगा सब धीरे धीरे करके, डाली वाइज चढ़ते जाएंगे अंत में फल को प्राप्त कर लेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ डराइव्ड क्वांटिटीज, तो इसको बता देंगे आप कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, या वे भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों के मिल जाने से प्राप्त होती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। दो या दो से अधिक मूल राशियों का मिलने का मतलब है कि जैसे कहा जाए कि चाल,
एक एग्जांपल लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी या दूरी को चाहे आप दूरी कहिए चाहे लंबाई कहिए चाहे चौड़ाई कहिए, दूरी का परिभाषा क्या है पढ़े होंगे आप लोग, क्या है दूरी की परिभाषा, कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसकी लंबाई को, पथ या रास्ते या मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, भाई गति करेगा तभी तो चलेगा वो, हम अगर गति करेंगे तो भी तो हम आगे दूर कहीं कितनी दूर से उतना दूर चला गया। अब उतना दूर चला गया का मतलब क्या, यहाँ से हम थोड़ी दूर जाएंगे तो हमारी पता चल जाएगा कि हाँ यार इतना लंबा हम गए, इतनी लंबाई हमने तय की। तो वही चीज़ है दूरी, कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है जो लंबाई का होता है। दूरी तो दूरी कैसी राशि है, अभी हमने पढ़ा दूरी या लंबाई मूल राशि है। समय कौन सी राशि है, अभी हमने पढ़ा मूल राशि है। दो मूल राशि जब एक साथ हुए तो क्या मिल गया, व्युत्पन्न, मतलब ये दोनों उत्पन्न कर दिए किसको, चाल को। चाल बराबर तभी पढ़ते हैं हम दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल और भी है, और जो जैसे हम बात करें त्वरण की, एक्सेलरेशन, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय, वेग परिवर्तन। अब आ गया त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन, वेग का हम जानते हैं मीटर प्रति सेकंड उसका मात्रक, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो कई बार हमको दो बार समय मिल गया, और क्या मिल गया, विस्थापन, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या है, मूल राशियां हैं। विस्थापन भी क्या है, मूल राशि है। तो त्वरण क्या हो गया आपका, व्युत्पन्न हो गया। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग परिवर्तन, वेग वेग या चाल दूरी बटे समय, तो वेग के लिए क्या कहते हैं, विस्थापन बटे समय। अब आप कहेंगे विस्थापन क्या है सर, तो विस्थापन जानते होंगे, विस्थापन गतिमान वस्तु द्वारा उसकी अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, राशियों के विषय में बताऊंगा अभी। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, त्वरण, त्वरण भी क्या है आपका, व्युत्पन्न राशियां हैं, है ना, व्युत्पन्न राशियां। मात्रक एवं मापन की बात चल रही है, अब हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या है, चाल, त्वरण, बल, कार्य, ये सब आपके व्युत्पन्न, उन सात को छोड़ दीजिए। उन सात को छोड़ने के बाद जितने भी आप पढ़ेंगे सब व्युत्पन्न होंगे। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे रेडियन और स्टेरेडियन, उसमें वो दो आपको आगे मिलेगा, वो आपके मूल राशियों में होंगे, पूरक मात्रक। अब मैं मात्रक की बात करता हूँ, मात्रक क्या है ये जानिए। देखिए मात्रक को जानने के लिए फ्रांस एक जगह है, फ्रांस देश है, उस देश में एक जगह है जिनेवा। जिनेवा में इन मात्रकों को स्थापित करने के लिए कई देशों के, हर देशों के वैज्ञानिक वहाँ मुख्यालय में बैठे। जिनेवा एक मुख्यालय बनाया गया साइंस की। तो जब वो बैठे तो मात्रकों के विषय में चर्चा जब होने लगा तो वहाँ पर कई प्रकार की प्रणालियाँ आईं, कई प्रकार की पद्धति दी गई। वो पद्धति आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे,
पहले दिया गया FPS पद्धत FPS प्रणाली, फिर दिया गया CGS पद्धत CGS प्रणाली, फिर दिया गया MKS पद्धत MKS प्रणाली, जो हम लोग MKS प्रणाली में ही पढ़ते हैं, ये तो आप पढ़े ही होंगे। और उसके बाद में मात्रक का मतलब ये है, मात्रक, मात्रक को हम कहते हैं यूनिट, मात्रक को क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट। यूनिट मीन्स यू से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई यू, किसको, मात्रक। मात्रक का मतलब होता क्या है आप जानिए, मात्रक का मतलब ये है कि जैसे कोई भी वस्तु या कहीं भी मैं जाऊं या कहीं से आर कोई व्यक्ति आया, यार कोई आपसे पूछे यार हमको फला जगह जाना है, प्रयागराज जाना है यार, कितने किलोमीटर है, तो किलोमीटर पूछ लिया, तो किलोमीटर क्या है, एक मात्रक है, किलोमीटर क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। अब अगर वो बता दिया कि 10 किलोमीटर, तो 10 क्या है, 10 एक संख्यात्मक मान है, आंकिक मान है, 10 मीटर, 10 हमारा आंकिक मान होता है, मीटर हमारा मात्रक होता है। मीटर मात्रक किसका है, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का, विस्थापन का, इस तरह से। और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये क्या है, अंक है, तो आंकिक मान है। मात्रक का मतलब यह हुआ कि दिए जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों के एक निश्चित माप के लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं, भौतिक राशियों के एक निश्चित मान के लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं, वही मात्रक होता है। मापन क्या है, मापन का मतलब नापना, माप, माप मतलब नाप। हम पता चला कि ये अज्यूम कर लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये एक मीटर है, तो अब पता चला हम यहाँ से ऐसे ऐसे इसको गिनते गए, ऐसे 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 नापते गए ना, मापते गया नापते गए, पता चला कि ये 15 बार गया, अगर ये दूरी एक मीटर है तो कितनी दूरी हो गई, 15 मीटर हो गई, मतलब इसकी लंबाई 15 मीटर हो गई। हमने इस वाइट बोर्ड की माप कर ली कि मीटर से, या स्केल जो हमारे पास है उससे माप कर ली, नाप ली, तो 15 मीटर। अब जो 15 मीटर है, तो अगर कहा जाए कि 15 मीटर, 15 मीटर, तो 15 जो है यही हमारा क्या है, आंकिक मान है, आंकिक मान। और जो मीटर है यह लंबाई की क्या है, यूनिट है, यूनिट मीन्स मात्रक या इकाई, यही इसका मात्रक है। ये मात्रक एवं मापन में इसी में हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण और विमीय विश्लेषण, इसी में हमको पढ़ना है त्रुटि विश्लेषण, इसी में पढ़ना है त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण और विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण इसी के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन अभी मैं हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, बड़ा मजा आएगा, अभी इस पर एक आध दो मेरिकल करवा देंगे और आप लोगों को दे भी देंगे। तो आंक मात्रक यूनिट में 15 मीटर, मीटर मात्रक हो गया, 15 उसका आंकिक मान हो गया, जो भी वस्तु की हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापनी थी वही उसका माप था, कि इसकी माप कितनी है। माप का मतलब है कि ये वाइट बोर्ड है, इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, आप बताइए, माप करिए, तो मापन है, माप करेंगे हम कोई मेजरमेंट से, मेजरमेंट माप किए तो पता चला ये 15 मीटर इसकी लंबाई, 10 मीटर इसकी चौड़ाई, ठीक, तो 10 मीटर इसकी चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का माप हो गया हमारा, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तुरंत लंबाई में चौड़ाई गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा रेक्टेंगुलर का, अगर ये आयताकार है तो।
तो 15 मीटर मात्रक, और ये आंकिक मान इसका 15। जैसे कहा जाए कि हमको कोई वस्तु लेना है, दुकान पे गए, हम कहे चीनी हमको चाहिए 10 केजी, 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम, तो 10 हमारा वही क्या है, आंकिक मान है, किलोग्राम क्या है, मात्रक है। आज यार टेम्परेचर, आज का तापमान कितना है, तो पता चला आज का तापमान 38 डिग्री है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया होगा, तो जब मापा गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मात्रक हो गया और ये आंकिक मान हो गया। ये तो बात हुई आपके मात्रकों की। इसी से हमारा एक मात्रक को जानते हैं यूनिट यू से, और आंकिक मान, आंकिक मान, आंकिक मान मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, NUME, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम काहे से डिनोट करते हैं, N से। न्यूमेरिकल वैल्यू को काहे से डिनोट करेंगे हम, N से, और मात्रक को काहे से, U से। आंकिक, N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, U फॉर यूनिट, U और N से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। एक मानक अगर दिया जाए कि 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम के बाद में अगर ये कहा जाए किलोग्राम को चेंज करिए ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, 10000 ग्राम। ये 10000 ग्राम हो गया। अब ग्राम को आप चेंज करिए किस में, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में चेंज करिए, सेंटीग्राम में चेंज करिए, इसी तरह नाप को ग्राम, चलिए आगे लंबाई से भी देख लीजिए। चाहे अगर कहा जाए कि 10 मीटर या 10 किलोमीटर दिया गया, 10 किलोमीटर के बाद आएंगे, इस किलोमीटर को चेंज करिए, ये भी एक यूनिट ही है, दशांकिक मान है। 10 किलोमीटर के बाद आएंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000, तो 10 में 1000 गुणा करेंगे 10000। अब कहा जाए मीटर को चेंज करिए सेंटीमीटर में, किलोमीटर मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो आगे बढ़ेंगे, अब 1, 2, 3, 4 तो था ही था, ये मीटर में 100 का और गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ गया, ये हो गया सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, एक और जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, मिलीमीटर। 10 किलोमीटर, 10000 मीटर, फिर उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10000 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ मिलीमीटर, इस तरह जा रहा है ये। अब यहाँ से ये देखिए, 10000 ना, ये 1 करोड़ या 1 लाख, इस तरह से ये आंकिक मान इसकी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। आंकिक मान इसका जो है, शेरो बना दिया जाए अगर, तो ये इधर इसको लिखा जाए n, n फॉर न्यूमेरिकल, n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये n जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इसका n बढ़ रहा है, लेकिन ज़रा इसकी बात किया जाए, ये इसकी बात करिए, ये क्या है, u है ना, u फॉर यूनिट, u है, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो u क्या है आपका, u घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, किलोमीटर किलोमीटर से छोटा मिलीमीटर, तो ये u जो है वो क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। अर्थात हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मीन्स n इज प्रोपोर्शनल टू, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। अब इस प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती जानते हैं ना,
कि जो मात्रक है वो आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती है, या जो मात्रक है आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती, या आंकिक मान मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू वन अपान यू आर, इट इम्प्लाइज दैट एन इक्वल के, के कांस्टेंट है वन अपान यू, वेयर के इज कांस्टेंट, सी ओ एन एस टी, के कांस्टेंट है, ये वैल्यू नहीं बदलती, या के इक्वल क्या हो जाएगा एन यू, के इक्वल एन यू आपका ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो के इक्वल एन यू, इसी से अगर हम एक भौतिक राशि के मात्रकों को दूसरे भौतिक राशि के मात्रकों में परिवर्तन करना हो तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ के हटा के यहाँ पर एक आंकिक मान लिखते हैं एन वन यू वन इक्वल एन टू यू टू, एन वन यू वन इक्वल एन टू यू टू रखते हैं इसको, कि एक जैसे कहा जाए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति मिनट में बदलिए, तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलने का तरीका, कि कहा गया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको चेंज करना है इसको मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट में, नहीं दिख रहा होगा उधर, हम समझ रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर चेंज टू मीटर पर मिनट, अब दिख रहा है, तो 20 किलोमीटर पर, अब यहाँ देखिए पहला अंकिक मान क्या है 20, एन वन आपका मिल गया 20, दूसरा अंकिक, अब यू वन, यू वन क्या है किलोमीटर पर आवर है, ये आपका ये एन वन है, ये पूरा यू वन है, अब यहाँ हमको एन वन एन टू फाइंड करना है, एन टू फाइंड करना है, यू टू हमको पता ही है क्या ले आना है मीटर प्रति मिनट में, तो यहाँ हम करके दिखा देते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पोस्ट करके, देखिए फिर से कहा गया कि 20 किलोमीटर पर आवर चेंज टू किलो सॉरी मीटर पर मिनट, यही कहा गया था। तो ये है आपका एन वन, एन वन इक्वल 20, यूनिट ये है ही है आपका यू वन, यहाँ हमको एन टू फाइंड करना है, यहाँ यूनिट है मीटर पर मिनट, चेंज करते हैं, अभी हमने फार्मूला लिखा एन वन यू वन इक्वल एन टू यू टू, एन वन 20, यू वन किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर बटे एच आवर, एन टू फाइंड करना है, यू टू क्या है मीटर पर मिनट, आप चेंज कर दीजिए, ये 20 इंटू एक किलोमीटर में कितने मीटर, मीटर में है ना यहाँ, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर बटे, एक घंटा में कितना यहाँ क्या है मिनट है, तो मिनट वाला बदलेंगे, सेकेंड रहेगा तो यहाँ सेकेंड लिखेंगे, एक घंटा में कितने मिनट, हाँ 60 मिनट, तो 60 मिनट, एन टू को ऐसे रहने दो मीटर प्रति मिनट, ये देखो यम से यम को मार दो, मिनट को मिनट से मार दो, एक जीरो से ये जीरो गया, कट रहा है अब ये, काटो इसको 6 से 20 को काटो, तो पहले काट दो, दो तिहाई 6, दो धम्मा 20, मिल गया कितना 100 धम्मा 1000 बटे 3, एन टू इक्वल 1000 अपॉन 3, तो काट दो इसको, क्या हो जाएगा ये 3 3 9 1 10, फिर 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, ऐसे ऐसे जाता रहेगा ये 333.33, तो एन टू इक्वल 333.33, क्या हो गया ये मीटर प्रति मिनट, ये मीटर प्रति मिनट हो गया।
ऐसे ही आप चेंज कर देंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड में तब हम 3600 करेंगे क्योंकि एक घंटे बराबर 3600 सेकंड। इज दैट क्लियर? चलो हम आपको दो तीन दे देते हैं, आप उसको करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइए और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, मेहनत कर रहे हैं इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ यार करो, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। चलिए आपको चेंज करना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना है, इधर लिख दें उधर नहीं दिखेगा, हम समझ रहे हैं। चलो ये आप लोगों का HW हो जाएगा। पहला है ये कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 या 10, इक्वल ये बताइए कितने सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ये बताना है। दूसरा एक सीधा सीधा दे देते हैं, 36 मीटर प्रति सेकंड को आप बताइए कितने किलोमीटर पर आवर, ये बताना है आपको। ठीक है, यही दो आप करके पहले रखिए, फिर उसके बाद में हम कल इसके आगे आप लोगों को और बताएंगे, लेकिन जो न समझ में आए उसको ज़रूर हमसे शेयर करिए, ज़रूर बच्चों को बताइए, आपस में जितने मित्र यार हों उनको भी जोड़िए यार, तब पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा जो एकेडमी है वो मिशन एक्सलेंस एकेडमी इलाहाबाद के नाम से है, और मैं राजेश सर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग जिस तरह से मेहनत करके अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं, ऐसे ही आगे सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद बच्चों।